बादशाह के आदमी हसन कुमार के घर गए और उसकी बेटी गुलजान को उठा ले गए। मुल्ला को चढ़ गया गुस्सा। वो पहुंच गया मिर्जा के घर और चिल्ला कर बोला कि जिस लड़की को तूने उठवाया है उसी की कसम खाकर कहता हूं कि एक दिन तुझे उसी तालाब में डुबोऊंगा जहां से तुझे बचाया था। और फिर मुल्ला पड़ गया इस फिक्र में कि गुलजान को कैसे बचाए। इसी चक्कर में जब वो बाजार पहुंचा तो सारे हंगामे में उसकी मुलाकात हो गई शेख बगदादी से। बस मुल्ला ने फौरन शेख बगदादी को पट्टी पढ़ाई और उसके कपड़े हथियाकर शागिर्द को साथ ले चल दिया महल की तरफ। देखिए अब मुल्ला क्या करता है। इस लड़की को ऐसा सजाओ ऐसा सवारो कि अमीर इसे देखते रहें, अपनी सारी परेशानियां भूलकर सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहें। तुम्हें अच्छा खासा इनाम मिलेगा। हुजूर, इन हाथों में बदसूरत भी खूबसूरत हो जाती है, फिर ये तो बादलों में छुपा हुआ चौदहवीं का चांद है। ठीक है, अपना काम करो। तारीफ करो उसकी। हुजूर, किसके पास लफ्ज है कि उसकी तारीफ करे। आंखें जैसे शरबत भरे कटोरे, ऐसी नाक कितनी खतरनाक जो कभी देखी न सुनी। क्या खतरनाक नाक, क्या मतलब? हुजूर, नाक को देख के जी ऐसा बेकरार हो जाता है कि बस न पूछिए। कुछ सुना, लिखा क्या? जी हुजूर, अर्ज किया है। दंग कर दे शरबत से भरी आंख और नाक, अजी नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। तुम शायर हो या शायर की दुम? ऐसे कहते हैं शायरी, शेर ऐसे कहा जाता है। देख के जिसकी नाक में दम हो जाए, देख के जिसकी नाक में दम हो जाए, मर्द उस तरफ मुड़ जाए जिस तरफ वो मुड़ जाए। सुभानअल्लाह हुजूर, सुभानअल्लाह। बहुत कैसा लगा शेर? बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा। आपकी शायरी को मैं सलाम करता हूँ हुजूर। हाँ, शेर हम कहते हैं और सलाम तुम करोगे? अब हुजूर, आप तो बादशाह हैं और बादशाह का भी सलाम नहीं करते। सलाम करते हैं उनके गुलाम। अर्ज किया है, आप हैं बादशाह और हम आपके गुलाम। सलाम हुजूर, सलाम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। कुछ कुछ शायरी कर लेते हो। अच्छा अच्छा, ये बताओ उम्र क्या है उसकी? उम्र जहां पना जवान जहान, जवानी है कि एक तूफान। तूफान, एक तूफान उठ रहा है मेरे दिल के अंदर। तूफान उठ रहा है मेरे दिल के अंदर, एक तूफान आ रहा है इस महल के अंदर। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, तमाम शायर आपके आगे पानी भरते हैं, आप जो शेर कहते हैं वो तो आसमान से आई हुई आवाज है। हुजूर, अर्ज किया है, आसमान से आती हुई लगती है आवाज आपकी, मैं चापलूसी नहीं करता कसम खुदा पाक की। अरे ये क्या कर रहे हो? आपको तैयार कर रहा हूँ जोर।
ऐसा चांद कभी देखा है? चांद बेदाग नहीं, इसमें कोई दाग नहीं। बस खुदा के लिए बस, काहे को दिल जलाती हो? हटाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना कलेजा फट जाएगा। अब इसे बादशाह सलामत के पास ले जाने की तैयारी करो। आए वो जमाना जब मर्द मुझे देखकर चलते थे, औरतें पहलू में बैठाती थी। भूल जाओ भूल जाओ, अब पता लगाओ इसे कब पेश करना है। चलो। मछली की तरह आकर कदमों में तड़फा करे। अच्छा, और अगर तू इसे खुद लगा ले तो अपने आप तड़फा करे। कैसा कैसा लग रहा हूं मैं? बड़े कातिल लग रहे हैं सरकार। क्या कातिल? सरकार, आपके हाथों कौन औरत होगी जो कत्ल होने पर तैयार ना? तो ये मतलब था तुम्हारा? एक काम करो, जल्दी से उस नई हसीना को यहाँ ले आओ। ले आओ? अरे जल्दी, अगर तुम ले गई ना तो हम दोनों का गला कट जाएगा। जल्दी चल, बड़ी देर से इंतजार। छोड़ दो। अरे जल्दी चल 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 ने मुझे भेजा है। सबूत है आपके पास? ये फरमान उनका, मुझे जाने दो। आप
ये तो सचमुच हूर है। माँ बदालत खुश हुए। मैं शेख बगदादी बगदाद से आया हूँ। ये फरमान बगदाद के बादशाह का यहाँ बना कहाँ है? जहाँ बना हरम में है। आपको वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। कैसा हंगामा है ये? ये क्या हंगामा हो रहा है वहाँ? जहाँ पना बगदाद से शेख बगदादी आए हैं और फौरन हाजिर होना चाहते हैं। शेख बगदादी, यही वक्त रह गया था इनके यहाँ आने का। इनसे कह दो कि हम मसरूफ हैं, ये गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे जाने दो, भारत की आवाज आने की दर्द नहीं है। मैं भाग गया, मुझे जाने दो। रुकिए, मुझे कौन है? कौन है ये? कौन है जिसने हमारे महल को बाजार बना दिया? कौन गुस्ताख है ये? जहां पना ये शेख बगदादी है। अलीजा, हम आ गए। अलीजा, हम आ गए। आप बच गए। अलीजा आखिरी गुलाम पहुंच ही गए। अलीजा, हम बच गए। क्या मतलब? खुदा ना करे आपका साया हमारे सरों से उठे। अलीजा, आपकी जिंदगी को खतरा है। हमारी जान को। एक सवाल करनी गुस्ताखी कर सकता हूँ अलीजा। अलीजा, कल से आज तलक आपने किसी औरत को हाथ तो नहीं लगाया? ये क्या गुस्ताखी है? अगर लगाया है तो ऐसा बंदोबस्त करूं, और नहीं लगाया तो उसका इंतजाम करूं। आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है अलीजा। ये सितारे, ये सैयारे, सब आपकी किस्मत के ऊपर अपना काला साया लिए मंडरा रहे हैं। वो देखिए अलीजा, कहकशां के बीच जोहरा नकाब डाले कयामत बरपा रही है। खसब हो जाएगा। सुनिए, वैसे कल से हमने किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज हमारी हरम सरा में एक हसीना आई है जो बहुत खूबसूरत, बहुत जवान है। बच गए अलीजा, और हाथ लगाना भी नहीं। बच गए अलीजा। या अल्लाह, रहम कर। शागिर्द, सदका उतारो। आ कबूतर, आ। जा कबूतर, जाकर ये पैगाम पहुंचा दे कि सब खैरियत है, हम यहाँ पहुंच गए हैं। देखा कि सैयारा मरीख अपने बुर्ज से हटकर सहल के बुर्ज की तरफ पढ़ रहा है। राहु और केतु सूरज की तरफ पढ़ रहे हैं, लेकिन जोहरा, अलीजा, जोहरा नकाब डाले बीच में खड़ी है। इसके मानी क्या? यही कि आज से शुरू होने वाले 10 दिन तक अगर अलीजा ने किसी औरत को हाथ लगाया तो जोहरा की नकाब तार तार हो जाएगी। और सूरज राहु केतु से बच न सकेगा, लेकिन अब जहल हो या मुश्तरी, राहु हो या केतु, किसी की क्या मजाल जो अलीजा के ऊपर नजर डाल सके। जाओ, खुशियां मनाओ, शादियाने बजाओ। अलीजा बच गए, शेख बगदादी आ गए। खुशामदी। छोड़ दो मुझे। खामोश बगदाद, तू खामोश रह। मुझे अलीजा से बात करने दो, मुझे अलीजा के पास ले चलो। हटो, छोड़ो मुझे। अलीजा, मेरे आका, आखिर मेरी तरकीब काम आई। शहर में थोड़ा सा हंगामा जरूर हुआ, लेकिन उस मक्कार ख्वाजा नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
अगर आपकी इजाजत हो तो उस कीड़े को आपकी खिदमत में पेश किया जाए। जरूर जरूर वजीर आजम, हम तुम्हारी कारगुजारी से खुश हुए, उस कीड़े को फौरन यहां पेश किया जाए। जी आलेजा। ये तो अच्छा हुआ शेख बगदादी कि आप भी इस वक्त यहां मौजूद हैं। जी हाँ। अब आप हमें मशवरा दें कि इस बदमाश को कैसी सजा दी जाए। किस किस तरह से उसे कत्ल किया जाए। आलीजा के पास, आलीजा के पास। सुन सुन आलीजा। नसरुद्दीन ही बता सकता है आलीजा। हाँ?